दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत का रामबाण क्विज यानी कि प्रश्न श्रृंखला कर रहे हैं सीटेट सुपरटेट और टेट परीक्षा की दृष्टि से। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं श्रृंखला को। और दोस्तों श्रृंखला का पहला प्रश्न है, अधो निर्दिष्टेशु युग्म पर्यायेषु समीचीनं विचुनुत, अर्थात नीचे निर्दिष्ट नीचे लिखे गए युग्म पर्यायों में से जो सबसे उचित है वह उत्तर चुनकर लिखना है। विकल्प का खा गा घा के रूप में दोस्तों, और एक दो तीन चार के रूप में दिया गया है। हर्षः महावीर चरितम्, अश्वघोषः वेणी संहारम्, भवभूतिः रत्नावली और भट्ट नारायणः बुद्ध चरितम्। दोस्तों इसको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, सबसे उपयुक्त कौन सा उत्तर होगा, सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा? दोस्तों दिए गए विकल्प में हर्ष दोस्तों रत्नावली। हर्ष की रचना का नाम क्या है? तो रत्नावली है। क्या है? रत्नावली है। हर्ष रत्नावली, अश्वघोष बुद्ध चरितम्। अश्वघोष की रचना का नाम बुद्ध चरितम है। भवभूति ही महावीर चरितम और भट्ट नारायण वेणी संहारम। भट्ट नारायण वेणी संहारम ये है दोस्तों, यानी कि श्री हर्ष ने रत्नावली नामक नाटिका का रचना किया था। क्या रत्नावली? क्या दोस्तों? तो नाटिका है। विकल्प कौन सा सही होगा? तो दिए गए विकल्प में ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो आप मिलान करिए, पहले होगा तीन होगा, और तीन के बाद अश्वघोष बुद्ध चरितम यानी कि चार होगा। तीन चार एक दो यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या एक का विकल्प डी एकदम सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एक ही प्रश्न में चार रचनाकारों एवं उनकी कृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से दोस्तों पहला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भावभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? भावभूति का संबंध है किस कृति से नहीं है? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, बुद्ध चरितम, मालती माधवम। किससे नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो उत्तर रामचरितम यह भवभूत की रचना है दोस्तों, जिसमें राम के उत्तर चरित के विषय में वर्णन किया गया है। महावीर चरितम और मालती माधवम ये तीनों रचनाएं भवभूत की हैं, यानी कि बुद्ध चरितम भवभूत की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है दोस्तों? तो अश्वघोष की है। किसकी है? अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरितम किसकी रचना? तो अश्वघोष की रचना है। इस तरह से प्रश्न संख्या दो का विकल्प सी सही उत्तर होगा। भवभूति का संबंध बुद्ध चरितम से नहीं है। भवभूति का संबंध बुद्ध चरितम से नहीं है। और तीसरा प्रश्न दोस्तों, नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक कितने प्रकार के होते हैं? ए विकल्प तीन प्रकार के, बी चार प्रकार के, सी पांच प्रकार के, और डी छह प्रकार के। नायक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो नायक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, यानी कि बी विकल्प सही होगा। नायक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो नायक चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है दोस्तों धीरोदात्त नायक। पहला है धीरोदात्त नायक। और दूसरा नायक कौन होता है दोस्तों? तो धीर ललित नायक। तीसरा क्या है दोस्तों? तो तीसरा है धीर प्रशांत नायक
धीर प्रशांत नायक। और चौथा प्रकार दोस्तों धीरोधत्त नायक। कौन सा प्रकार है चौथा दोस्तों? तो चौथा है धीरोधत्त नायक। इस तरह से दोस्तों धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोधत्त, ये चार प्रकार के नायक होते हैं। कितने प्रकार के नायक हैं? तो नायक चार प्रकार के हैं। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है दोस्तों ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विश्वनाथ, दंडी, वामन, आनंद वर्धन। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या चार में विश्वनाथ, दंडी, वामन और आनंद वर्धन में। तो दोस्तों ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन है। कौन है? आचार्य आनंद वर्धन है। और आचार्य आनंद वर्धन ने दोस्तों ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। तो आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य की आत्मा किसे स्वीकार किया? तो काव्य की आत्मा आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि को स्वीकार किया। यहां लिखते हैं दोस्तों आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य की आत्मा, जिसे हम कहते हैं काव्यात्मा किसे स्वीकार किया? तो ध्वनि को स्वीकार किया। किसे स्वीकार किया? तो ध्वनि को स्वीकार किया, ध्वनि को। इसीलिए दोस्तों ध्वनि काव्य की आत्मा है। ध्वनि ही काव्यस्य आत्मा। किसने कहा? तो आचार्य आनंद वर्धन ने कहा कि काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि किसे कहते हैं दोस्तों? तो नाद, या व्याकरण में उसे ही स्फोट कहते हैं। ध्वनि नाद या स्फोट कहलाता है। इस तरह से दोस्तों ध्वनि को ही काव्य की आत्मा किसने स्वीकार किया? आचार्य आनंद वर्धन ने। इस तरह से ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन से होंगे? तो आचार्य आनंद वर्धन। प्रश्न संख्या चार का विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी। आइए दोस्तों देख लेते हैं विश्वनाथ, दंडी और वामन। विश्वनाथ दोस्तों देखें तो काव्य की साहित्य दर्पण नामक काव्य ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का प्रणयन किया था साहित्य दर्पण, जिसमें काव्य की परिभाषा विश्वनाथ ने दिया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। इसको दोस्तों विस्तृत व्याख्या देखते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए प्रश्न संख्या चार में विकल्प डी सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं दोस्तों यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का कंप्लीट कोर्स मात्र और मात्र दोस्तों 2199 रुपए में दिया जा रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच को आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और पांचवा प्रश्न दोस्तों ये शिक्षण से संबंधित, संस्कृत शिक्षण से संबंधित पांचवा प्रश्न है। एका शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति संदेशम आधृत्य एकम विज्ञान पत्रम कक्षायाम आनीय भित्त्युपरि लेपयति ध्यानेन निरीक्ष्य तदुपरि एक परिच्छेद लेखितुम सा छात्रान निर्दिशति। अत्र भाषा शिक्षिकया प्रयुक्त विज्ञान पत्रम अस्ति। इसको प्रयुक्तम कर लीजिए दोस्तों, प्रयुक्तम विज्ञान पत्रम अस्ति। पहले इसका हिंदी अर्थ करते हैं दोस्तों। हिंदी अर्थ है एका शिक्षिका, एक अध्यापिका के द्वारा, एक अध्यापिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति इस प्रकार के संदेशम आधृत्य, संदेश को आधार बना करके एकम विज्ञान पत्रम एक विज्ञान पत्र कक्षायाम आनीय कक्षा में ला करके भित्ति उपरी दीवार के ऊपर लेपयती चस्पा कर देती है। ध्यानेन निरीक्ष और ध्यान से देख करके तद उपरी उस विज्ञान पत्र के ऊपर एकम परिच्छेदम एक परिच्छेद लेखितुम लिखने के लिए सा छात्रान निर्दिशति वह छात्रों को निर्देश देती है। अत्र यहां भाषा शिक्षिकया भाषा शिक्षिका के द्वारा प्रयुक्तम प्रयुक्त किया गया विज्ञान पत्रम अस्ति विज्ञान पत्र है। विकल्प ए आवश्यक सामग्री,
विकल्प बी अनावश्यक सामग्री, विकल्प सी प्रामाणिक सामग्री और डी है अभिन्न सामग्री। बताइए दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रिया में हम इसे क्या कहेंगे, यानी कि शिक्षिका के द्वारा विज्ञान पत्र का लाना, कक्षा के मध्य में दीवार पर चस्पा करना और बच्चों को ये निर्देश देना कि उस पर एक लेख लिखिए, यह क्या कहलाएगा। तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों, यह है सामग्री कैसी होगी दोस्तों, तो ये प्रामाणिक सामग्री होगी, क्योंकि बच्चों को निर्देश देना उस विज्ञान पत्र के आधार पर लिखना प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। किसके द्वारा, भाषा शिक्षिका के द्वारा, अर्थात भाषा शिक्षिका या भाषा अध्यापिका के द्वारा प्रामाणिक सामग्री दोस्तों होगी, जो कि कक्षा के मध्य के दीवार पर चस्पा करके बच्चों को निर्देश दिया जाएगा कि आप इस चित्र को देख करके, और वो चित्र किसका होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इस तरह से दोस्तों प्रामाणिक सामग्री यानी कि प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी सही उत्तर होगा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकात् बहिः गन्तव्यम् इति उक्तेः अर्थः, अर्थात पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना चाहिए, गंतव्यम जाना, जाने योग्य है, जाना चाहिए। इति उक्तेः, इस प्रकार की उक्ति में अर्थ निकलता है, इससे भाव क्या निकलता है, पाठ्य पुस्तक के बाहर भी ज्ञान अर्जन करना चाहिए। इसका विकल्प दिया गया दोस्तों, पहला पाठ्य पुस्तक समाप्ति न अत्यंतम आवश्यकम, पाठ्य पुस्तकानां काठिन्य स्तर छात्राणां बोध स्तराद बहिः भवति, पाठ्य पुस्तक स्तरात किंचित ऊर्ध्वस्तरे पाठनम और पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य अन्य संसाधनानां वितरणम। इसका हिंदी देख लेते हैं दोस्तों, पाठ्य पुस्तक समाप्ति ही, यानी कि पाठ्य पुस्तक समाप्ति न अत्यंतम आवश्यक, यानी कि पाठ्य पुस्तक को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक नहीं है। और बी विकल्प में उत्तर दिया जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकानां काठिन्यम, पाठ्य पुस्तकों में जो काठिन्य स्तर है, छात्राणां बोध स्तराद बहिः भवति, छात्रों के बोध स्तर से बाहर होता है। सी विकल्प, पाठ्य पुस्तक स्तरात, पाठ्य पुस्तक के स्तर से किंचित ऊर्ध्व स्तरे पाठनम, कुछ और ऊपर का पाठन कार्य करना चाहिए। और डी विकल्प है, पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त अन्य संसाधनानां वितरणम, अर्थात पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त अन्य संसाधनों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि भाषा शिक्षण में क्या होना चाहिए दोस्तों, तो डी विकल्प, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के संसाधनों का प्रयोग भाषा शिक्षण में आवश्यक हो जाता है, यानी कि शिक्षण कार्य में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य जो गतिविधियां होती हैं उनका भी योगदान होना चाहिए। विकल्प डी, प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखित संसाधनेषु प्राथमिक स्तरे भाषाधिगमस्य कृते किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णम्, अर्थ देख लेते हैं। महत्व दोस्तों, ये आधा ता इसमें और रहेगा, आधा ता, महत्व कैसे लिखा जाता है, तो मा हा, ये ता आधा और रहता है दोस्तों, तो दो ता रहता है। एकदम आसान भाषा में दोस्तों महत्व को कैसे लिखेंगे, प्रायः दोस्तों गलतियां हो जाती हैं, हम लिखते हैं महत्व, महत्व लिखते हैं, मा हा आधा ता लिखते हैं और ये अर्ध ता उच्चारण की दृष्टि, यानी कि अगर दोस्तों देखें तो व्याकरण की दृष्टि से महत्व होता है, महत्व नहीं होता है। तो इस तरह से दोता का प्रयोग, दोनों अर्धता व्यंजन वर्ण के रूप में होते हैं। तो महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है क्या है, संगणकम, कक्षा परिवेश वस्तुनि, बाल साहित्यम, वृत्त पत्रम, यानी कि विकल्प ए बी सी डी में कौन सा उत्तर सही होगा, देख लेते हैं दोस्तों। अधोलिखित नीचे लिखे गए संसाधनेषु, संसाधनों में से प्राथमिक स्तरे, प्राथमिक स्तर में भाषाधिगमस्य, भाषा अधिगम के कृते लिए किम सर्वाधिकम, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्णम, महत्वपूर्ण है, संगणक है या कक्षा परिवेश, कक्षा परिवेश की वस्तुएं हैं या बाल साहित्य है या वृत्त पत्रम है, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो दिए गए विकल्प में सी विकल्प, बाल साहित्यम, बाल साहित्यम
प्राथमिक स्तर के भाषा अधिगम के लिए दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो बाल साहित्य प्रश्न के साथ का विकल्प सी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न दोस्तों एकदम साधारण सा, यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद है, यदा धन अपि, यत धन अपि, यदि धन आपि, यदि धन अपि। इसको दोस्तों देख लेते हैं क्योंकि इससे एक प्रश्न से अन्य प्रश्न कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यद्यपि, यद्यपि संधि का विच्छेद क्या होगा, तो यद्यपि संधि का विच्छेद होगा यदि, यदि धन अपि, यदि धन अपि। यहां दोस्तों सबसे पहला प्रश्न उठ जाता है कि यद्यपि में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, संधि बताइए कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो यड़ संधि है। यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है, यड़ संधि है। यहां से दोस्तों यड़ संधि का सूत्र क्या है, तो इको यड़च्छे। यड़ संधि का सूत्र क्या है, तो यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़च्छी, इको यड़च्छी। इको और इका स्थाने यड़ स्यादत संहितायाम, विषय संहिता के विषय में इक के स्थान पर यड़ होता है, कब, इक के परे अच होने पर। तो इस तरह से दोस्तों अगर संक्षेप में हम इको यड़च को लिखें तो हम कहते हैं इक धन अच, इक धन अच, और ये बराबर होता है दोस्तों यड़, क्या होता है यड़। इक में क्या आता है दोस्तों, तो इक में ई ऊ री ऋ वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, चार वर्ण आते हैं ई ऊ री ऋ। अच में क्या आता है, अच में दोस्तों, तो अच में स्वर आते हैं, सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अच कहलाते हैं। और यड़ में क्या आता है, तो यड़ में दोस्तों या वा रा ला आता है, या वा रा ला आता है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि ई ऊ रील री के परे स्वर होने पर ई ऊ रील री के स्थान पर या वा रा ला हो जाता है, क्या होता है, या वा रा ला होता है। इस तरह से इक के स्थान पर यड़ हो जाता है, कब, जब इक के परे स्वर हो तब। दो लाइन दोस्तों केवल और केवल यड़ संधि कंप्लीट होगा, इक के परे अच होता है तो इक के स्थान पर यड़ होता है। इक में कितने वर्ण आते हैं, चार वर्ण आते हैं, अच में कितने वर्ण आते हैं, नौ वर्ण आते हैं, यड़ में कितने वर्ण आते हैं, चार वर्ण आते हैं। यहां इक अच और यड़ ये तीनों दोस्तों प्रत्याहार हैं, क्या हैं, प्रत्याहार हैं। इस तरह से दोस्तों इको यड़ची, और यहां दोस्तों इक के स्थान पर या वा राला, इक के स्थान पर यड़ होता है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि इक के स्थान पर या होगा, इको यड़ची ये कभी नहीं बताएगा कि इक के स्थान पर या होता है, बल्कि इसके लिए दोस्तों आप स्थाने अंतरतमः सूत्र कहता है कि चूंकि ई का उच्चारण स्थान तालु होता है और या का उच्चारण स्थान तालु होता है, दोनों उच्चारण स्थान समान होने के कारण ई के स्थान पर या हुआ, किस सूत्र से, तो स्थाने अंतरतमः सूत्र से। इको यड़च केवल और केवल इतना कहता है इक के स्थान पर यड़ होता है, यह कभी नहीं कहता है कि ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर वा होगा, री के स्थान पर रा होगा, ऋ के स्थान पर ला होगा, यह बताता है स्थाने अंतरतमः सूत्र। यहां दोस्तों लिख लेते हैं स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः सूत्र कहता है कि जो अंतरतम हो, सादृश्यतम हो, जिसका उच्चारण स्थान एक हो, उसके स्थान पर वही वर्ण होगा। जैसे उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, इसीलिए उ के स्थान पर वा होता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और रा का उच्चारण स्थान भी दोस्तों मूर्धा होता है, इसीलिए री के स्थान पर रा होता है। री का ऋ तुलसा नाम दंता है सूत्र से री का उच्चारण स्थान दंत होता है और ला का उच्चारण स्थान भी दंत होता है, इसीलिए री के स्थान पर ला होता है। तो स्थाने अंतरतमा से ई के स्थान पर या होकर के क्या बन जाएगा दोस्तों, यद्यपि बनेगा, क्या बनेगा, यद्यपि बनेगा। इस तरह से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस विच्छेद से अलग भी हैं कि यड़ संधि का सूत्र क्या है, यड़ संधि में कौन यड़ क्या है, इक क्या है, अच क्या है, और इको यड़ची
इको यड़च में इक के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, अच के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, यड़ के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, ई ऊ रील री के स्थान पर यावा राला होता है किस सूत्र की सहायता से, तो स्थानीय अंतरतमा। ये हुआ दोस्तों प्रश्न संख्या 8, विकल्प डी सही है और आप सभी दोस्तों का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी सही उत्तर है। आइए दोस्तों यूपीएसएससी पेट एग्जाम के लिए 15 मार्क टेस्ट, जिसमें दोस्तों 3000 से अधिक के महत्वपूर्ण क्विज रखे गए, वीडियो सॉल्यूशन रखे गए हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन रखा गया है। तो इस तरह से दोस्तों इसका नया बैच प्रारंभ है और आप ये बैच ले सकते हैं। अगर बैच लेने में दोस्तों कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों गतेपि में संधि है, गतेपि में संधि है, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, अयाद संधि, गुण संधि। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने संधि पढ़ते समय यह पहचान के लिए दोस्तों ये देखा था पूर्व रूप का पहचान क्या होता है, पूर्व रूप का पहचान क्या होता है। तो पूर्व रूप संधि में एक ही मात्रा लगी होगी, एक ही मात्रा के बाद अवग्रह लगा होगा, केवल दो वर्णों को देखना है दोस्तों। किसी भी उदाहरण में अगर ये दो वर्ण दिख जाएं, एक ही मात्रा लगी हो किसी वर्ण पर और उसके परे अवग्रह लगा हो, तो यह कहीं ना कहीं पूर्व रूप का उदाहरण होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहां गते में ता पर एक ही मात्रा है और इसके पहले अवग्रह, इसके बाद में ए के बाद अवग्रह लगा है। हमने कहा एक ही मात्रा के बाद अगर अवग्रह लगा होगा तो कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। तो इस तरह से दोस्तों पूर्व रूप संधि, ये हुआ दोस्तों संधि के पहचान का पहला नियम। दोस्तों यहां पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है, तो एंगह पदांतादति होता है, एंगह पदांतादति होता है, पदांतादति होता है। एंगह से तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो एंगह से तात्पर्य है एंग प्रत्याहार, क्षम्यता, एंग प्रत्याहार में वर्ण आता है ए ओ, ए और ओ पदांतात अर्थात पद के अंत में हो, तो अति और उसके परे आहो, यहां क्या है दोस्तों अति, अति से तात्पर्य है आ होने पर, आ होने पर। तो ए हो ए या ओ के बाद में आ हो दोस्तों, और आ के स्थान पर संधि होने पर अवग्रह हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर ए की मात्रा लगी हो और ओ की मात्रा के बाद अवग्रह हो तो पूर्व रूप हो जाएगा। यह हुआ पहचान का दूसरा नियम, ए की मात्रा हो, ए की मात्रा इस तरह से लगती है, ओ की मात्रा हो, ओ की मात्रा दोस्तों इस तरह से लगता है, तो ए अथवा ओ के बाद अवग्रह लगा हो, योग हो अवग्रह का, तो यह बनेगा पूर्व रूप संधि। कौन सा संधि होगा, पूर्व रूप संधि का उदाहरण होगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, पूर्व रूप संधि कोई भी उदाहरण ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, ए की मात्रा के बाद अवग्रह होगा, ओ की मात्रा के बाद अवग्रह होगा, अगर ए और ओ की मात्रा के बाद अवग्रह आ रहा है दोस्तों तो वो पूर्व रूप संधि का उदाहरण होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 9 का विकल्प भी सही उत्तर है, क्या है, विकल्प भी सही उत्तर है। यहां दोस्तों पररूप को देख लेते हैं, तो पररूप और अयाद संधि और गुण संधि, पररूप में क्या होता है दोस्तों, पररूप में ए और ओ होगा लेकिन अवग्रह नहीं लगा रहेगा, अवग्रह नहीं लगा रहेगा। अयाद में क्या होता है, तो अयाद के उदाहरण में अय औ आय आउ, ये चार वर्ण आपको मिलेंगे, अय रहेगा, आ या पे हलंत रहेगा, आव आय आओ, ये चार वर्ण अगर किसी भी उदाहरण में दिखते हैं दोस्तों अयाद संधि का उदाहरण होगा, और ए ओ अर अल ये चार वर्ण अगर कहीं दिखते हैं तो ये गुण संधि का उदाहरण होगा। इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का विकल्प भी सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न दोस्तों तिलेशु तैलम उदाहरण है, अभी व्यापक आधार का, औपश्लेषी का आधार का, वैसेही का आधार का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है दोस्तों तिलेशु तैलम, अर्थात तिल में तेल होता है, तिलेशु
तिल में तैलम तेल होता है। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। किसका है? अभिव्यापक आधार का उदाहरण है दोस्तों। आधार किसे कहते हैं? तो आधारोधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से होता है दोस्तों। किससे? सप्तम्य अधिकरणे सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है। किसमें? आधार में। तो ये आधार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो आधार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अभिव्यापक आधार, औपश्लेषिक आधार। सबसे पहले आप औपश्लेषिक आधार कर लीजिए। वैसयिक आधार पहला हुआ, औपश्लेषिक आधार दूसरा हुआ, वैसयिक आधार और तीसरा हुआ अभिव्यापक आधार। तीसरा हुआ अभिव्यापक आधार। और अभिव्यापक आधार का ही उदाहरण है दोस्तों तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम। और इसको दोस्तों हम लोगों ने विस्तृत रूप में देखा है, इसलिए यहां इसको छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नांकितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। नीचे लिखे गए विकल्पों में से शुद्धम वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए, सह ईश्वरम नमति, सह ईश्वराय नमस्करोति, सह ईश्वराय ईश्वरस्य नमस्करोति, सह ईश्वरेण नमस्करोति। बताइए दोस्तों, वह ईश्वर को नमस्कार करता है का अनुवाद क्या होगा दोस्तों? तो वह ईश्वर को नमस्कार करता है, सह ईश्वरम नमति, सह ईश्वरम नमति होगा दोस्तों, ईश्वराय नहीं होगा। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगात चतुर्थी होती है दोस्तों, लेकिन यहां चतुर्थी नहीं लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ईश्वरम नमति नम धातु है दोस्तों, यहां नमस्कार करने के अर्थ में, और यह है नम धातु नमति रूप चलता है, नमति नमतः नमन्ति। तो विकल्प प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सही उत्तर होगा, सह ईश्वरम नमति। और प्रश्न संख्या 12, बल से पृथ्वी मांगता है, वाक्यस्य अनुवादः अस्ति, अनुवादः अस्ति। इसको दोस्तों अनुवादोस्ति कर सकते हैं, अगर यहाँ अनुवादो फिलहाल वाक्य है दोस्तों। वाक्य में संधि कार्य करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, छोड़ देते हैं इसको। बताइए, बल से पृथ्वी मांगता है, बले वसुधा याचति, बलि याचते वसुधाम, बलि याचते वसुधा, वलिना याचते वसुधाम। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा बताएं। दोस्तों हम लोगों ने कारक पढ़ते समय अकथितम च सूत्र का अध्ययन किया था, अकथितम च, और इसके अंतर्गत आने वाली दोस्तों 16 धातुएं जो कि द्विकर्मक होती हैं, इसका भी अध्ययन किया था, जो कि दुह, याच, पच, दंड, रुधि, ची, ब्रू, रुधि, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वह 16 धातुएं थी। इनके योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्या होती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है द्विकर्मक धातु होने के कारण। तो वह बलि से पृथ्वी मानता है, वलिम क्या हो जाएगा दोस्तों? वलिम याचते वसुधाम। विकल्प बी, यहां दोस्तों अनुस्वार लगा लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण वलि शब्द दिया गया था। वलिम याचते वसुधाम अर्थात बलि से याचते वसुधाम, वसुधा, वसुधाम, वसुधया, वसुधायै, ये रूप चलता है दोस्तों। तो वसुधाम, वसुधा को अर्थात पृथ्वी को याचते मांगता है बलिम, बलि से। यहां होना चाहिए था दोस्तों बले ही याचते, अर्थात बल से याचना करता है, लेकिन द्विकर्मक धातु होने के कारण, याच धातु द्विकर्मक है, इसीलिए द्विकर्मक धातु होने के कारण दोस्तों इसमें बल में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया और बलिम बना। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों डेली यूट्यूब सिजोल स्टडी 91 में सुबह सुबह एकदम 8 बजे हम लोग करेंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, 9 बजे इंडियन पॉलिटी, 10 बजे जीके जीएस, 12 बजे रीजनिंग की क्लास और 1 बजे ज्योग्राफी, 3 बजे मैथ्स और 6 बजे दोस्तों अभी आप लोगों ने साइंस की क्लास किया, और 7 बजे हम लोग उपस्थित हैं संस्कृत की क्लास में। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा को दे रहे होंगे तो आप
जो स्टडी 91 के डेली यूट्यूब शेड्यूल का अनुकरण करके आप लाभ उठा सकते हैं, कक्षाएं कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, संस्कृते अनुवादम कुरुते। पिता पुत्रम क्रुध्यति, पिताह पुत्रम क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्रे क्रुध्यति। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। दोस्तों एक सूत्र है, क्रुध द्रुह ईर्ष असूयार्था नाम यम प्रतिकोपः। फिर से एक बार सूत्र का अनुकरण करते हैं, वाचन करते हैं। क्रुध द्रुह ईर्ष असूयार्था नाम यम प्रतिकोपः। जिस पर क्रोध किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। क्रुध धातु के योग में दोस्तों कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। और किस किस पे होती है दोस्तों, तो क्रुध द्रुह ईर्ष असूयार्था नाम यम प्रति। क्रुध धातु, ईर्ष धातु, द्रुह धातु, असूय धातु तथा इनके समान जो अर्थ देने वाली धातुएं हैं उनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस पर क्रोध करता है उस पर चतुर्थी विभक्ति होती है। पुत्र पर क्रोध करता है तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति, पुत्रा पुत्रम पुत्रेण पुत्राय चतुर्थी एक वचन का रूप। पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्राय क्रुध्यति। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्वष। विद्वष शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा विद्वष, जिसे हम कहते हैं विद्वान। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्वान कहते हैं। बताइए तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। विद्वान विद्वांसम, विदुषा विदुषे, विदुषा विदुषा रूप चलता है दोस्तों। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा, 14 का क्षमता, प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो तृतीय एक वचन में विद्वान विद्वांसम विदुषा रूप चलता है। क्या चलता है, विद्वान विद्वांसम विदुषा रूप चलता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 14 का विकल्प भी सही उत्तर होगा और विद्वस का तृतीय एक वचन में विदुषा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, विदुषा विकल्प बनेगा प्रश्न संख्या 14 का। आइए देख लेते हैं 15। राजन शब्द नकारान पुल्लिंग शब्द, राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। द्वितीय बहुवचन में राजन शब्द का क्या रूप होगा दोस्तों, तो राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्ञः रूप चलता है। क्या चलता है दोस्तों, राजा राजा राजानौ राजानः। यह हुआ दोस्तों प्रथमा विभक्ति के एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के रूप है। प्रथमा विभक्ति राजा राजानौ राजानः राजानम राजानम राजानौ राज्ञः। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा दोस्तों, राज्ञः होगा। क्या होगा, राज्ञः बनेगा द्वितीय बहुवचन का रूप। राजन शब्द के नकारान पुल्लिंग राजन शब्द का रूप क्या होगा दोस्तों, तो राज्ञः होगा। दिए गए विकल्प में ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 का। अगर एक वचन में दोस्तों, तो राजा राजानम राज्ञा राज्ञे राज्ञा 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 राजन बनता है। यह सप्तमी विभक्ति तक के रूप हुए दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सही उत्तर होगा दोस्तों। वीडियो और एग्जाम के लिए टॉप 15 मार्क टेस्ट विथ वीडियो सोल्यूशन आप इन नंबरों पर दोस्तों संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं और मात्र 349 रुपए में। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो का हल प्रश्न पत्र और उसके साथ मॉडल टेस्ट पेपर भी दोस्तों दिया जा रहा है, आप डिस्काउंट के साथ इसको आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वारी। वारी शब्द का द्वितीय द्विवचन में रूप होगा। वारी शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप क्या होगा दोस्तों, वारिडो वारिसु वारी वारिडी। दोस्तों रूप वारी शब्द का रूप क्या चलता है, वारी वारिडी वारिडी वारी वारिडी
वारी वारिड़ी वारिड़ी वारी वारिड़ी वारिड़ी ये हुआ दोस्तों प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप, और द्वितीय विभक्ति में वारी वारिड़ी वारिड़ी बनेगा वारी वारिड़ी वारिड़ी वारी वारिड़ी वारिड़ी। तो क्या होगा दोस्तों वारिणी रूप होगा द्वितीय में वारिणी, और द्विवचन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुवचन हुआ, बहुवचन नहीं बल्कि द्विवचन प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्विवचन में क्या होगा दोस्तों, तो द्विवचन में बनेगा वारिणी, क्या बनेगा वारिणी बनेगा, यानी कि डी विकल्प सही उत्तर होगा, प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है स्था धातु का लृट लकार मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, एक वचन का रूप होगा, स्थास्यति स्थास्यामि स्थास्यसि स्थास्यसि, बताए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। लिट लकार भविष्यत काल, लिट लकार भविष्यत काल, अस्था धातु का रूप है, स्थास्यति बनता है दोस्तों लट लकार में, किसमें बनेगा लट लकार में, स्थास्यामि क्षमता दोस्तों स्थास्यति लट लकार के प्रथम पुरुष में बनेगा, लट लकार प्रथम पुरुष है, यहां लिखते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, स्थास्यति स्थास्यामि लट लकार, लट लकार उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में बनता है, उत्तम पुरुष में बनता है, स्थास्यसि लट लकार मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष में, मध्यम मध्यम पुरुष में बनता है, लट लकार मध्यम पुरुष में बनता है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 17 का विकल्प सी स्थास्यसि सही उत्तर होगा, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है स्थास्यसि। और अगला प्रश्न है दोस्तों पृच्छति क्रियापद में कौन सी धातु है, पृच्छ धातु है या पृच्छ है या प्रच्छ है या प्रच्छ, बताइए पृच्छति पूछता है, पृच्छ धातु द्विकर्मक धातु है दोस्तों, पूछने के अर्थ में, किस अर्थ में, तो पूछने के अर्थ में द्विकर्मक धातु 16 द्विकर्मक धातुओं में से एक है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो प्रच्छ बनता है, क्या बनता है प्रच्छ, प्रच्छ और प्रच्छ हो जाता है पृच्छत के रूप में, तो प्रच्छ धातु है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प डी सही उत्तर होगा, प्रश्न संख्या विकल्प डी सही उत्तर होगा, प्रश्न संख्या 18 का दोस्तों। हिंदी सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण का नया बैच प्रारंभ है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 19 है चतुर्सीति ही किसे कहते हैं, किसे कहते हैं चतुर्सीति ही, चालाक को कहते हैं या 84 को कहते हैं या 48 को कहते हैं या 46 को कहते हैं, चतुर्सीति ही किसे कहते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो चतुर्सीति ही किसे कहते हैं दोस्तों, चतुर का अर्थ हुआ चार, चतुर का चतुर्सीति ही, चतुर्सीति ही चार, अशीति का अर्थ हुआ दोस्तों 80 प्लस 80, चार में 80 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 84 बनेगा, क्या बनेगा 84 बनेगा, और 84 को क्या कहेंगे तो चतुर्सीति ही कहेंगे, क्या कहेंगे चतुर्सीति ही 84, विकल्प बी सही उत्तर होगा। 48 को क्या कहते हैं दोस्तों, तो अष्ट चत्वारिंशत या अष्टा चत्वारिंशत, दोनों शब्द 48 को दोस्तों अष्ट चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत ये कहते हैं दोस्तों, अष्ट चत्वारिंशत और अष्टा चत्वारिंशत, अष्टा चत्वारिंशत दोनों प्रयोग होता है दोस्तों, दोनों प्रयोग होता है 48 के लिए, और 46 को क्या कहते हैं तो षट चत्वारिंशत, षट चत्वारिंशत, षट चत्वा
रिंसत, ये बनता है दोस्तों 46 से। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प भी सही उत्तर होगा षट चत्वा रिंसत। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न और 20वां प्रश्न है दोस्तों, महाकाव्य नहीं किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम मेघदूतम, महाकाव्य नहीं है तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। मेघदूतम ये महाकाव्य नहीं है बल्कि गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है। और क्या है दोस्तों? तो इसी को हम खंड काव्य भी कहते हैं, खंड काव्य भी कहते हैं। खंड काव्य का लक्षण क्या होता है दोस्तों? तो खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी च, ये खंड काव्य का लक्षण होता है, किसी एक भाग का वर्णन करना खंड काव्य के अंतर्गत होता है दोस्तों। और यह गीति काव्य अर्थात गीति प्रधान काव्य होने के कारण मेघदूतम महाकाव्य नहीं है। किरातार्जुनीयम शिशुपालवधम नैषधीय चरितम ये तीनों दोस्तों महाकाव्य हैं। क्या हैं? महाकाव्य हैं, जिसमें किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। शिशुपालवधम में 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी महाकाव्य नहीं है। आइए दोस्तों दोस्तों ये था आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में सायंकाल 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।